राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज है इंटरनेशनल विमेंस डे पे, जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। वेलकम टू द शो मैम, एंड इट्स एन ऑनर, आपको सब माँ कह के बुलाते हैं। और आप फाउंडर हैं मनीषा मंदिर की, साथ ही साथ आप प्रोलिफिक ऑथर हैं, आपने 25-26 किताबें की हुई हैं। तो हमें कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरा जन्म हुआ है राजस्थान में जोधपुर। जी, जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ की दृढ़ता भी है और संस्कार भी हैं। राजस्थान में एक बहादुरी का एक वो है, मतलब संस्कारों में आ जाती है वो दृढ़ता। तो जब मैं छोटी थी वहाँ, 1947 में स्वतंत्रता दिवस हुआ और मैं 1937 की पैदा हूँ, तो 9 साल की थी, बड़ा उत्साह था मन में और मैंने उसको ऐसे मनाया, मेरे को अब भी याद आता है, खूब गाया, खूब नाचा, खूब अपनी सहेलियों को बुला के डांस किया। तो वो यादें हैं, और यादें तो यादें ही होती हैं ना, तो बचपन की यादें बहुत सारी हैं। और उसके बाद मैं बड़ी हुई तो मेरे भाई लखनऊ में रहते थे, बड़े भाई साहब मेरे, तो माँ ने कहा कि मेरे जो मेरे से बड़े भाई थे वो जर्मनी चले गए थे, तो मेरी माँ ने कहा कि अब हमारा मन यहाँ नहीं लगता है, एक तो वो लखनऊ में चले गए हैं और एक वो चंदर चला गया जर्मनी, तो हमको तो बड़े सच्चे भाई साहब के पास जाना है। तो वो समेट के अपना जोधपुर से लखनऊ आ गए। इस प्रकार हम लखनऊ आए। लखनऊ अच्छा शहर है जी। और भाई साहब यहाँ पे वो उन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर थे, ये ट्रेजरी जो बनाई है एक नई वाली वो भाई साहब ने बनाई थी, सत्य प्रकाश गोविल यहाँ की, तो वो भी बहुत कर्मठ थे और अच्छे थे। तो इस प्रकार हमारा लखनऊ आना हो गया। और आपको बताती हूँ, आप बीती लखनऊ में आए हम, तो पता नहीं क्यों मैं अच्छी लगती थी। मैं उस समय 19 साल की थी, तो एक हमारे अग्रवाल परिवार के जो मेरे अब ससुर हो गए थे, मतलब जी अग्रवाल परिवार के थे, वो हमसे ऐसे मिलने आए थे भाई साहब से, तो हम कमरे में आए तो उन्होंने हमको देखा और पसंद कर लिया। हाँ नहीं, यही कह रही हूँ। उन्होंने हमको देखा तो जब से उन्होंने हमसे बात करनी शुरू कर दी जी, और इंग्लिश भी मेरी अच्छी रही है, मैं भले हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ जी, पर मेरे हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट डिविजन और हर क्लास में फर्स्ट थी मैं। एक किसी का वो होता है, बायलिंगुअल होते हैं, उनको वो लैंग्वेज पकड़ने में इजी होता है, तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की कमांड बहुत अच्छी रही। नहीं। तो खैर, तो उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू कर दी, उनको मेरी सूरत अच्छी लगी शायद, और बात करने में वो कुछ इंग्लिश में बोले, मैंने इंग्लिश में जवाब दे दिया जी, तो उनको और अच्छा लगा। पिताजी ने सोचा, मेरे पिताजी थे, उन्होंने सोचा कि ये इसको लाइक कर रहे हैं, और उनका बेटा इंजीनियर था, शादी की जरूरत, मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई। मैं आपको अपनी पर्सनल बता रही हूँ इसमें, तो बात आगे बढ़ाई और तो मेरे से उन्होंने काफी बात की, इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने पिताजी ने कह दिया, गाती बहुत अच्छा है। अरे, मैंने कहा ये देखो, मतलब आवाज मेरी अच्छी थी और मैंने क्लासिकल म्यूजिक किया हुआ है, तो वैसे भी तबला हारमोनियम ये सारा मैं बजाती भी रही हूँ, लेकिन एक समझ होती है ना क्लासिकल की, म्यूजिक की एक जो समझ होती है जी। तो उन्होंने कहा कि सुना दो कुछ। अरे, मैंने कहा ये बुजुर्ग आदमी और मैं क्या सुनाऊं, नहीं तो समझने से पड़ गई, और एकदम से अपन थोड़े वो हो जाते हैं ना, लड़की थी और नहीं रहते। हाँ, नहीं मतलब मेरे अंदर इतना संकोच तो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ भी जब मैं थी तो प्रेसिडेंट थी अपने कॉलेज पे, मेरे अंदर ये भाव रहा है, और कॉलेज की प्रेसिडेंट थी तो कॉलेज तो बड़ा ही था, तो वहाँ पे वो राजमहल था, राजमहल का कॉलेज था, तो वहाँ पे जो पुराना राजा का महल था ना, उसमें वो कॉलेज स्थापित था। अच्छा। जो बड़े बड़े गेट थे, दरवाजे थे, ये थे। तो आप लिखना उसी समय से करती थी कि लिखने का शौक बाद में शुरू हुआ? नहीं, लिखना तो मैंने उस समय भी मैं अच्छी लिखती थी, मेरे जीवन की स्वर्ण रेख तू कौन कहाँ से उद्भावित, क्या तेरा कोई लक्ष्य नहीं किन भावों से तू अनुप्राणित, मतलब इस तरह की चीजें मैंने छोटे में भी लिखना शुरू कर दिया, जबकि मैं 10 साल की थी। तो और आपको वो जो एपिसोड हुआ जहाँ पे आपको गाना गाना था,
आपने गाना सुनाया और फिर तुरंत आपकी शादी हुई, कैसी हुई? हाँ नहीं, गाना तो सुना दिया, मैंने कहा क्या हूँ, मैंने सुनाया प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। मेरे को ध्यान ही नहीं आया, मैंने कहा भजन सुनाओ इनको तो मैंने भजन सुना दिया। ओके हाँ। और उसके बाद उन्होंने तुरंत पसंद कर लिया, शादी कैसे? नहीं नहीं, पसंद कैसे कर लिया वो ये कहने कहे थोड़े ही, वो मन में सोच लिया उन्होंने कि इसको लेके बाद में बात करेंगे इस विषय में, तो अच्छा उनको मतलब मैं पसंद आ गई, मैं बस इतनी समझ लो। तो फिर बाद में और पिताजी को, मेरे पिताजी को लगा कि ये पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने सोचा मेरी लड़की अच्छी भी है तो कहने लगे ठीक है। तो अब मेरी, मेरे से 4 साल बड़ी बहन है, वो देखने में इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। और फर्क अब तो लक्ष्मी जी की डेथ हो गई, मतलब नहीं है क्योंकि मैं खुद ही 8 ईयर में चल रही हूँ। तो पहले उनकी शादी करना चाहते थे सब लोग कि उनकी शादी हो जाए, मेरी 4 साल बनी थी, लेकिन मैं, मेरे को फिर मना कर दिया था कि जब कोई इनको देखने आया तुम सामने मत आना हाँ ये रेस्ट्रिक्शन मेरे को लगा दिया था। एक दो बार ऐसा हुआ कि वो आए लड़की वाले, लड़के वाले आए, अच्छा घर था, अच्छा सब कुछ था, उन्होंने कहा कि अगर छोटी बहन से आपको रिश्ता मंजूर हो तो हम करने को तैयार हैं। तो 4 साल का अंतर था मेरे उनमें, पर वो 4 साल का अंतर भी नहीं गिनते थे। पहले के टाइम पे ये सब बहुत होता था, अब तो आई थिंक लोग ओपन हो गए हैं तो कर देते हैं। अभी भी अगर उनको कोई लड़की पसंद आ रही है तो उसके लिए वो कर देते हैं, क्योंकि अगर आप लड़का आपका इतना है तो अगर 2 साल भी छोटी है लड़के से तो कुछ कर देते। सही बात। फिर आपकी शादी हुई कब? मेरी शादी हुई है 58 में। अच्छा, और आपकी उम्र क्या थी उस समय? 20 साल। 20 साल मतलब 19 साल, 1 साल के अंदर आपकी शादी हो गई। फिर 19 साल में आप उनसे मिले और 1 साल में आपकी शादी हो गई। तो आप शादी के पहले ऑथर थे या शादी के बाद आप ऑथर बनी? मैं तो लिखती हूँ बहुत। नहीं, लिखती थी। आपकी पहली किताब पब्लिश कब हुई? पब्लिश तो फिर शादी के बाद। शादी के बाद हुई। तो ये आपका जो प्रोफेशनल जर्नी था वो एज अ ऑथर ही शुरू हुआ? शादी के बाद, असल में उस समय तो मैं बच्चा ही थी समझ लीजिए। हाँ, 19 साल तो कोई उम्र नहीं है आज के टाइम में, और छापते भी कहाँ। सही बात है। बाद में तो लोगों ने जब देखा, जब मैं इतने कवि सम्मेलन में गई और ये सारे नीरज थे, सोम ठाकुर थे, भारत भूषण थे, इन्होंने देखा कि बहुत अच्छा पढ़ती भी है, लिखती भी है, और तो देखने में भी सुंदर है तो एक नाम चला गया जी। तो जहाँ भी कवित्रियों को बुलाया जाता था मेरा नाम उसमें सबसे आगे दे दिया जाता। तो उससे भी मेरे को हौसला मिला, कहीं ना कहीं से बढ़ावा भी मिलता है ना, और खुलता भी है बच्चा। सही बात। तो खैर यही है। तो फिर थोड़ा मनीषा मंदिर के बारे में बताइए, मनीषा मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? अब मनीषा मंदिर के विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी मनीषा, 3 बेटे और 1 बेटी थी। तो ये क्या हुआ कि मैं उस समय भी स्कूटर चलाती थी, मतलब मैंने बोल रही हूँ हमेशा आप आगे रही हैं। तो वो मैं अपने बड़े भाई साहब के पास, मेरी माँ आई हुई थी, तो उन्होंने, भाई साहब ने फोन किया कि माँ आई हुई है, तुमको मिलना हो तो मिलो। तो बोली नानी के पास जा रही हूँ, हम भी चलेंगे वो स्कूटर पे, क्योंकि स्कूटर में चलाती थी। मैंने कहा अच्छा चलो, तुमको ले चलते हैं नानी से मिलाना। तो मनोज बोला आप बस रानू रानू को ले जाती हैं हमेशा, जहाँ देता रानू बोलती मैं, और जहाँ रखो हम भी चलेंगे। मैंने कहा 2 को लेके नहीं जाऊँगी स्कूटर पे, साफ कह दिया मैंने बाद में। तो अच्छा हुआ मैं नहीं लेके गई, देखो ये ईश्वर की लीला थी। लेकिन जब लौट के आ रही थी उसे, तो ये वो ओवरटेक किया एक पुलिस की गाड़ी ने, और जगह कम थी, और पता चला था जब स्कूटर पे वो है तो उसको निकलने को तो जगह चाहिए। सही बात। तो वो जब आया तो उसने पीछे धक्का मार दिया, शॉक, मतलब वो निकला ना तो उसका शॉक लगा। तो स्कूटर कितना, स्कूटर तो गुड़िया तो उछल के गिरी एकदम, क्योंकि पीछे बैठी थी वो, तो सबसे पहले भी होते धक्का भी पीछे लगा, तो उछल के गिरी तो उसका सिर फट गया, तो वो तो वहीं खत्म हो गई, स्पॉट डेथ। लेकिन मेरे को नहीं बताया गया कि डेथ हो गई है। आपको भी काफी चोट आई थी? मेरे चोट, मेरे ऊपर स्कूटर गिरा, वो तो उछल के गिर गई, मेरे पास स्कूटर गिर गया, स्कूटर से मेरे कमर मन में एलवी बोन क्रैक हुई थी। अच्छा। बहुत चोट आई थी। खैर मैं तो ठीक हो गई जैसे तैसे, देखिए आपके सामने अब भी बैठी हूँ, भगवान ने उम्र दी
और इतनी चोट सह के भी, लेकिन एक बेटा एक, एक क्या कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी होती है जी, हर किसी में भले ही नहीं होती हो लेकिन मेरे अंदर वो है। अभी मैं 88 में चल रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझते कि मैं 88 में चल रही हूँ अगर ऐसे देखेंगे तो। नहीं बिल्कुल, और आप आपकी अभी भी किताब आने वाली है, और उस समय जो आपके साथ, उस समय आपकी क्या उम्र थी जब मनीषा के साथ ये हादसा हुआ? मनीषा 1 अप्रैल 1978 को डेथ हुई है। अच्छा, 78 को डेथ हुई है। तो वो जब डेथ हो गई, मेरे को तो बताया नहीं था, मेरे को तो यही बताया, मेरे को तो हॉस्पिटल, देखो गुड़िया, मैं आपको गुड़िया बोल रही, मेरे को आदत थी। तो मैं वो, और भीड़ तो इकट्ठा हो गई, और एक रिक्शे वाला आया, उसने कहा कि बैठिए, उसने मेरे को बिठाया उठा के वहाँ पे रिक्शे में, और झलकारी बाई अस्पताल है इधर लखनऊ में कोई, और वहाँ ले गया सीधे कि कम से कम इनको तो इलाज हो जाए, इलाज हो जाए, बेहोश हो गई होंगी मैं तो वहाँ। फिर मेरे को उतना याद नहीं है, बेहोश हो गई थी, इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। फिर मेरे हस्बैंड साइट पर गए हुए थे, उनको खबर की गई, वो आए तो क्या कर लेते। आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया आपके साथ? मतलब वो तो आपने इंसिडेंट फेस किया ही, मेरे को बताया नहीं गया, मेरे को नहीं बताया गया। मैंने पूछा, रानू बोलती थी मैं उसको, रानू कैसी है, तो कहने लगे उसको चोट लगी है और वो अभी बिस्तर पर है, और ये नहीं बताया क्योंकि डेथ हो गई। सोचा कि माँ को शौक लगे, माँ भी कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इतने वो तो है ही, तो मेरे को नहीं बताया कि शौक। तो ऐसा होता है इंसान के साथ, देखो। फिर मैंने सहा उसको, मेरी चोट में दर्द तो मेरा बहुत दिन तक रहा, लेकिन एक साहस होता है अंदर का, वो साहस है। इस दर्द से आप कैसे बाहर आए जब आपको पता चला कि अब मनीषा नहीं रही, तो कैसे? तो मैंने ईश्वर को, मैंने ईश्वर कहता है भगवान तुमने एक को उठाया है, देखिए मैं कितनी मनीषा पाल के बड़ा करती हूँ, संकल्प लिया था उसी समय। तो वो संकल्प शक्ति मेरे अंदर भगवान ने दी है, तो वो संकल्प जो था मेरा, जैसे मैं ठीक हुई तो मैंने कहा घर छोड़ दिया, फिर मैंने कहा कि मनीषा की याद में हम मनीषा का एक वो बनाएंगे, तो मनीषा की याद में से बनाया, मनीषा मंदिर नाम दिया इसको। तो मैं घर छोड़ के यहीं रहने लगी, क्योंकि घर में रहती, अभिवादन हमारी कोठी थी, तो घर में रहती तो ये कैसे बनता। फिर घर छोड़ के यहाँ बैठे थे, लंबी दास्तान है, देखो तुम्हारे सामने मैंने बताया। नहीं, बहुत सुंदर ये कैंपस है, और यहाँ पे आपने, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी है, और जीवन काल में मुझे लगता है 800 से ऊपर बच्चियों को आपने इस जगह नहीं से पालना लगा दिया था बाहर। मुझको पता था कि लोग लड़कियों को फेंक देते हैं, मार देते हैं, उस समय तो था ऐसा, तो पालना लगा दिया था बाहर, और कहा था 3 दिन की 4 दिन की जो बच्ची जिसको जहाँ मिले उठा के इसमें डाल दो, जिंदा होनी चाहिए, बच्चों को जिंदा होनी चाहिए बस, है ना। जी जी जी। फिर उनको दूध की बत्ती बना के पिलाया, पाला। आज वो बच्चियों से आप टच में हैं? हैं, टच में है, कुछ हैं, हाँ, कुछ नहीं है, कुछ तो 13 बेटे को शादी की थी हमने यहाँ से। अच्छा, हाँ, और अपने घर की हैं वो भी, आती हैं लखनऊ, 5 बेटियां लखनऊ में भी आई हैं। अब वो सब अपनी अपनी योग्यता थी, उसको यहाँ ताज होटल में जॉब में अच्छी थी, पढ़ाया हमने, अच्छी अच्छी शिक्षा दी, इंग्लिश मीडियम पढ़ी बच्चियाँ, तो अभी 5 बच्चियां यहीं पर हैं जिनको पाला उनमें से। बहुत सुंदर। बहुत कम लोग होते हैं जब हमें ईश्वर कोई दुख देता है, या हम जब परेशान होते एक हैं। एक बच्ची है गीता, उसकी शादी की मैंने, तो बनारस के लोग थे, देखने में सुंदर और बहुत अच्छी थी, आप जैसे। तो भगवान की दया थी, और पालन अच्छे से हमने किया जी, जी। तो उसको उन्होंने पसंद कर लिया, और क्योंकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बच्चियाँ अच्छे से रहती थी जी, तो शादी कर दी उसकी, तो वो अच्छे से निकली है, वो पढ़ी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था, तो पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो उसने वहाँ पे जाके अब वो वहाँ गई बनारस शादी की थी, और उसके हस्बैंड थे वो अहमदाबाद गुजरात, हाँ गुजरात अहमदाबाद में है। 800 बच्चियों को पालना, उनकी पढ़ाई करना, उनकी पूरी परवरिश करना, और साथ ही साथ आपने कहा कि बहुत की आपने शादियां भी कराई, 13 बेटियों की आपने शादी कराई। तो ईश्वर जब हमें कोई दुख देता है, तो बहुत कम लोग होते हैं कि उस दुख को झेल कर
समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। हमने भगवान के से चले जाते हैं, भगवान से वायदा किया था, तुमने एक को उठाया ना, देखिए मैं कितनी मनीषाएं पाल के बड़ा करती हूँ और इसको निभाया, और इसीलिए ये मनीषा मंदिर बना। अपना अभिवादन कोठी छोड़ के मैं यहाँ पर आ गई, और मेरा सौभाग्य ये है कि मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर रहे, तो उन्होंने बनाने में इसके बहुत मदद की। हाँ। मतलब पूरा फैमिली आपका समर्पित हो गया मनीषा मंदिर के तरफ। और असल में देखो, एक जब लेडी मजबूत होती है घर में और जिसको सब लोग मानते हैं, प्यार भी करते हैं, तो उससे बहुत काम हो जाता है। हाँ। और वही है ये मनीषा मंदिर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें मेरी तपस्या है, साधना है बहुत। और अभी भी लड़कियां आती हैं तो यहाँ पे मैं कहती हूँ खेलो, जगह है, कभी कहती हूँ स्पोर्ट्स करो, कभी म्यूजिकल चेयर करवा दी, कभी कुछ, जगह हमारे पास है, फ्री में देते हैं। लड़कियों को जगह नहीं मिलती कहीं भी, इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं मिलता, और हरा भरा और सब कुछ, और सब कहते हैं कि इतना हरा भरा बहुत कम, यहाँ पे आसपास भी बहुत कम ऐसे जगह। सही बात का। 8 मार्च को जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, और वो एक समय था जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग बच्चियों को मार देते थे, छोड़ देते थे, तो काफी काम सरकार ने भी किया है विमेन एम्पावरमेंट में, प्राइवेट संस्थाएं भी कर रही है, मुझको भी बुलाया गया है कई, और आपने भी, आपके जैसे बहुत सारे एनजीओज ने भी इस तरह से काम किया, तो विमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है, और आज की जो जनता है, जो यूथ है, जो आज के नए बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस अवसर? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो शक्ति है उसे आप, शक्ति तो आपके अंदर है, पर उसे आप जन सेवा में और दुखियों की सेवा में लगाएं। और एक यहाँ पे आश्रम मैंने बनाया है, कहीं भी आपको कोई गरीब लड़की बच्ची ऐसी दिखाई देती है, आप मेरे पास आके रख दो, मैं अभी भी सेवा करने को तैयार हूँ यहाँ पर। बहुत सुंदर। और करती हूँ, अभी भी बुला लेती हूँ लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों को लोग जो समझते हैं कि अरे लड़की हो गई, अभी बता रही हूँ, मेरे बेटे के बेटी हो गई है, तो अगर बेटा होता तो ज्यादा खुशी होती। हाँ। ये मैं आपको कर रही हूँ, कहते नहीं है वो, हाँ, वो एक थॉट है, वो एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी बनी हुई है, पहला बच्चा जो है बेटा हो जाए, बेटा चाहिए होता है। हाँ। बहुत सही कहा आपने, तो ये है। लेकिन अब क्योंकि हम ऐसे परिवार से हैं, और मेरे को भी बच्चे सब जानते हैं कि दादी माँ के तो सोच ऐसा ही है, हमको हमारे बच्चों से बहुत प्यार मिला है, और आप सबसे भी बहुत प्यार मिला है, और देखो अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। तो समाज में अभी भी जो कुरीतियाँ हैं, और अभी भी जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है, उससे अगर हमें निकलना है तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पे कह रखा है सबसे, अगर कोई दुखी महिला है, फोन आते हैं मेरे पास बहुत सारे, देखो लोगों को पता है कि यहाँ एक ऐसी महिला है, विद्या है तो क्या हुआ, तो मैं कहती हूँ कि आप मेरे पास आइए और मेरे को अपना दुख दर्द बताइए, और मैं बांटूंगी उसे जी। और ईश्वर ने इतनी समझ और शक्ति दी है, अभी भी देख लो आपके सामने बैठी हूँ, आपको बहुत निर्बल लगती हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और आप एक ऑथर भी हैं, इतनी सारी बुक्स आप आज भी लिख रही हैं। हाँ, तो आप अभी मंत्र बने सानिध्य आएगी अभी, बिल्कुल उसकी वो तो तैयार हो गई है, लेकिन उसको टाइप करने वाला कुछ मिले कुछ, क्योंकि मैं अब वो सब नहीं कर सकती हूँ जी जी जी, तो वो सब तैयार हो जाएंगे, तो मंत्र बने सानिध्य आएगी मेरी किताब। बिल्कुल, यही निश्चय चाहिए, यही जो विल पावर है आई थिंक आज के बच्चों में चाहिए। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप इसी तरह का काम करती रहिए, आपके बुक्स आप भी तो मेरी बेटी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और मेरे को बताइए कहीं भी कोई दुखी ऐसी आपकी नजर में आती है तो कहिए माँ से संपर्क करिए। बिल्कुल, तब मेरे को माई कहते हैं, माई कहते हैं। थैंक यू सो मच माँ, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। 800 बच्चे कम नहीं होती है, हम एक नहीं पाल पाते, आपने 800 को नया जीवन दिया, और अभी भी जो होती है मैं उनको करती रहती हूँ, बुलाती रहती हूँ, जो जो हुआ दे दिया, कपड़े दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, उनको पढ़ाई का सामान दे दिया, तो उनकी मदद होती है, जितना मदद कर सकते हैं वो करें। और मैं एनकरेज करती हूँ और लोगों को भी जो यहाँ पर आते हैं, जैसे अब ये जुड़ी हैं या और भी लोग जुड़े हैं, तो एनकरेज होते हैं ना तो और काम बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच माँ। जाते जाते कुछ पंक्तियाँ आप हमें सुना दीजिए।
कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। बिन बादल बरसात नयन बिन आंसू रोता है, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। भाव मुखर होने को व्याकुल होठों पर पहरा, भाव मुखर होने को व्याकुल होठों पर पहरा। आंख बरस जाने को आकुल थाम रहा कजरा, दर्द मुस्कान संजोता है, दर्द मुस्कान संजोता है। कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। बिन बादल बरसात नयन बिन आंसू रोता है, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। बहुत सुंदर, आप इसी तरह गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समाज का कल्याण करते रहिए। और आप आते रहिए बिल्कुल, और हम आते रहेंगे, हमको सहारा देते रहिए। एकदम।